नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR, और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में। कौन है ये? अगर आप इनको नहीं जानते तो ये वो इंसान हैं जो दावा करते हैं 72 आवर्स में, 3 दिनों में कोरोना वायरस को ठीक कर देने का। कोरोना तो छोड़ो, ये 3 दिनों में आपकी डायबिटीज खत्म कर देंगे, हाइपरटेंशन ठीक कर देंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा ठीक, आपका कैंसर तक ठीक, HIV का इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ये सिर्फ 3 दिनों में ठीक कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ DIP डाइट से। ये डाइट क्या है इस बारे में भी आएंगे, और अगर ये सब सच है तो कायदे से इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और साथ में ये भी कहते हैं कि इन सारी या दुनिया की हर दूसरी बीमारी के पीछे एक कंस्पिरेसी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, हॉस्पिटल्स की, WHO की, CDC की, इन सब की कंस्पिरेसी है। जब इतने बड़ी बड़ी बात आती है YouTube पे या वेबसाइट्स पे कहीं पर भी, तो इस पे चर्चा भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि बोल कौन रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई रस्ते में चलता इंसान आपसे कहे कि भाई साहब घर में जाके पानी मत पीना, आपके पानी में कोरोना वायरस है, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? नहीं। सोचोगे ज़रूर, लेकिन मानोगे नहीं। लेकिन अगर यही बात कोई एम्स का सीनियर डॉक्टर लाइव बोलता है, तब आप सोचोगे, तब बहुत जोरदार तरीके से सोचोगे। और अगर डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से या PM मोदी आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा है, पानी में अब ये वायरस है, पानी मत पीजिए, अब कुछ और करना पड़ेगा, तो भाई साहब फिर आप बिल्कुल भी डर जाओगे, पूरी दुनिया त्राही त्राही हो जाएगी। तो बहुत मायने रखता है कौन बोल रहा है। मोदी जी के कहने पर आप सड़क पर आके मोमबत्ती भी जलाओगे, घर से बाहर आके घंटी भी बजाओगे, कोई और कहेगा तो ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा, राइट? सो कौन बोल रहा है ये बहुत मायने रखता है। अगर इसको ढूंढने के लिए कौन बोल रहा है, विश्वरूप रॉय चौधरी कौन है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो आप ये देखोगे कि डॉक्टर नाम लिखा हुआ है, विश्वरूप रॉय चौधरी लिखा हुआ है, PhD इन डायबिटीज, अलायंस यूनिवर्सिटी, जाम्बिया। बहुत बढ़िया। और उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके डायबिटीज के टूर होते हैं, यहां वहां इतनी सारी फोटोज हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी फोटोज हैं, उठना बैठना है, और उन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, कितने सारे उनके अवार्ड दिए हुए हैं, कितने सारे उनके पब्लिकेशंस हैं। सो फिर आपको ऐसा लगता है, और लिटरली अगर आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे या YouTube चैनल के अबाउट में जाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है PhD इन डायबिटीज रिवर्सल, अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जाम्बिया, पोस्ट ग्रेजुएट इन डायबिटीज एजुकेशन फ्रॉम IDF, कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रक्टर, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर ऑफ रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स, वर्ल्ड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर। भैया, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। अब रिसर्च अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि विश्वरूप रॉय चौधरी ये 48 साल के हैं इस वक्त, और 1994 तक यानी 22 साल की उम्र तक ये इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहे थे, और 33 साल की उम्र तक, 33 साल की उम्र तक यहाँ पर ये एक बॉलीवुड के मूवी में एक्टिंग कर रहे थे, एक फेल्ड बॉलीवुड मूवी बना रहे थे, याद रखेंगे आप, नाम की 2005 में, आयशा झुलका जी के साथ। और तब तक ये क्या कर रहे थे, ये मेमोरी बूस्टिंग की क्लासेस लेते थे, ये मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स के बारे में लेक्चर्स लेते थे दुनिया भर में, मेमोरी की, आप कैसे बच्चों को याद दिलाएं चीज़ें, उसके बारे में दुनिया भर में इन्होंने अपने सेंटर खोल रखे थे, ये बनाए थे, ये TV पे आए थे, कई जगह आए थे 2005 में। अब ही वॉज अ मेमोरी, पुशअप के स्टंट किए थे उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा पेन बनाया था उन्होंने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। और अगर आप इनके बारे में और पढ़ोगे तो 2006 में कभी अलविदा ना कहना पिक्चर तो देखी होगी, उस मूवी के टाइटल पे इनकी करण जौहर के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, केस भी हुआ था, जो वो नहीं जीते, और उनकी मूवी याद रखेंगे आप कभी लाइट में आई नहीं। तो आगे फिर जब बात करें, 2013
तक 2000 से लेके 2013 तक ये सिर्फ मेमोरी बूस्टिंग मेमोरी ट्रेनिंग के काम कर रहे थे, जिनके लिए इन्होंने जगह जगह दुनिया भर में गए, लोगों को सिखाया, स्टूडेंट्स को सिखाया, जो बहुत अच्छी बात थी। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन टिल दैट टाइम। पर 2013 के बाद एक बार ये अपने जो रेगुलर मेमोरी बूस्टिंग सेमिनार्स होते थे इनके दुनिया भर में, उसमें इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी। जी हाँ, मेडिकल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे एक्चुअल स्कैम्स हैं, राइट? उनमें से किसी स्कैम के बारे में बात करी और एकदम 2013 के बाद 14 में ये अपने आप को डॉक्टर बताने लग गए। ये बताने लग गए कि इन्होंने डॉक्टरेट की है डायबिटीज में अलायंस यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर आप एक्चुअली में इनके क्रेडेंशियल्स देखेंगे, पहली बात तो 41 साल की उम्र तक इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिकल एजुकेशन नहीं ली थी। 41 साल की उम्र तक जब मेडिकल एजुकेशन नहीं है तो एकदम से डायबिटीज की पीएचडी तो मिल ही नहीं सकती है। दूसरी बात, अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके उनकी अलायंस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखोगे तो डायबिटीज की कोई पीएचडी है ही नहीं। तीसरी बात, इनके खुद के क्रेडेंशियल्स वाले वीडियो में देखोगे आप तो इनकी जो पीएचडी, जो एक पीएचडी है, वो अलायंस साइंस की ऑनररी डिग्री है, जिसके बारे में अलायंस साइंस कहते हैं, खुद कहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से इन्होंने मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, गलती से भी, खुद के उनके अलायंस यूनिवर्सिटी के रूट्स वर्ड्स हैं। दूसरी डिग्री इनकी आईडीएफ यूनिवर्सिटी से, जो इन्होंने डायबिटीज एजुकेटर का लिखा हुआ है कोर्स, आप अगर आईडीएफ स्कूल ऑफ डायबिटीज की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो डायबिटीज एजुकेटर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो आप भी कर सकते हो, वो कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल कर सकता है, कोई भी डॉक्टर, नर्स, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी डाइटिशियन, कुछ भी, कोई भी कर सकता है, और वो केवल 12 घंटे का कोर्स है। चलो, ये भाई साहब एक बात तो ये हो गई। सबसे बड़ी बात, अगर कोई इंसान इस तरह का है तो वो नकली डिग्रीज क्यों बनाएगा? ये इतनी सी बात नहीं है, और भी डिग्रीज हैं बहुत सारी। अगर आप इनके खुद के वेबसाइट पर जाके इनके एड्रेस देखोगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो इंडिया ऑफिस, वियतनाम ऑफिस, मलेशिया ऑफिस, स्विट्जरलैंड ऑफिस के जो एड्रेसेस हैं, और जो इन्होंने दूसरी तीसरी अपने एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज बताई हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंस के, मैं वहाँ का मेन एडिटोरियल वहाँ के पार्टनर हैं, ये हैं, उसमें भी सेम एड्रेस है। वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंस, सेम एड्रेस है। अगर आप देखेंगे दूसरी कोई उनकी यूनिवर्सिटी का, जैसे वर्ल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, उसका भी सेम एड्रेस है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी या इसकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और दूसरे नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड अपने आप में खुद इन्होंने खुद बनाया, और इंडियन मेडिकल बोर्ड इनको, बिकॉज वो इंडिया मेडिकल बोर्ड है ही नहीं, तो उन्होंने खुद अपना मेडिकल बोर्ड बना दिया कि हम ये मेडिकल बोर्ड में, राइट? उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंस बना लिया। ऐसे कितने ही कंपनीज बना के अपने आप को बैकअप कर रहे हैं। यहां तक छोड़ो, जो इन सारे के बेसिस पे वो ऑनलाइन कोर्सेस चालू कर दिया, है नाड़ीपैथी, सैंड थेरेपी, डायबिटीज एजुकेटर, न्यूट्रिशनिस्ट, इनके कोर्सेज बना के सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं दुनिया के लोगों को, राइट? कॉन्फ्रेंस कराने, इंडो वियतनाम हेल्थ अवार्ड्स, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड्स, राइट? डू यू इवन नो, ये खुद को न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, डाइटिशियन नहीं। डिफरेंस क्या है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का? एक न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है, इट इज नॉट, ये न्यूट्रिशनिस्ट आर नॉट हेल्थ अकाउंटेबल बाय एनी रेगुलेटरी कॉलेज, सो एनीवन कैन कॉल देमसेल्फ न्यूट्रिशनिस्ट, एक डायबिटीज के डॉक्टर को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोल नहीं सकते डायबिटीज। इनके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या जो भी इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड्स हैं, इनमें इनका साइन होता है और एक ही डॉक्टर का साइन होता है दूसरे एक पर्सन का, जो कि उनका वो दूसरा एसोसिएटेड ली ट्रान ट्रो एनोंग। इससे ज्यादा कोई क्या बोले। लिटरली अगर उनके खुद के मेडिकल पब्लिकेशंस भी देखोगे ना, जो दिखाते हैं जर्नल ऑफ मेडिकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव रिसर्च, ये दोनों फेक जर्नल्स हैं, रिसर्च करके देखोगे पता चल जाएगा। सो ऑल इन ऑल,
He is not having any medical experience, medical degree. जब वो ही नहीं है तो फिर ये किस बेसिस पे ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, पहली बात तो ये. फिर अगर बात करें कि चलो ठीक है, कई लोगों को फायदा हुआ है, कैसे हुआ है, ऑब्वियस सी बात है. एक डीआईपी डाइट के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये बात सच है कि हर इंसान को खूब सारा पानी पीना चाहिए, खूब सारे फ्रूट्स और खूब सारी सब्जियां खानी चाहिए. ये बात सच है, हर इंसान अगर अच्छे से डाइट ये करता है. दुनिया की सबसे अच्छी डाइट डैश डाइट में भी यही बोलते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करो, नमक शक्कर कम खाओ, बाहर की चीजें कम खाओ और अच्छी चीजें खाओ. ऑब्वियसली जब ऐसी अच्छी डाइट आप लेने लग जाओगे, चाहे वो सिंपल सब्जियां खाना हो, अच्छी मात्रा में पानी पीना हो, तो आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आएंगे. दैट डज नॉट मीन कि एक हार्ट डिजीज का पेशेंट हार्ट की बीमारियां के लिए हार्ट के दवाइयां बंद करके सिर्फ वो डाइट ले लेगा तो ठीक हो जाएगा, जो गलत है. क्यों? क्योंकि एक हार्ट फेलियर के पेशेंट को जब आप ज्यादा पानी दे दोगे तो हार्ट फेल और हो जाएगा, वो पानी ज्यादा नहीं हैंडल कर सकता. उसको कहा जाता है 1 लीटर पानी पीना है, 1 ही लीटर पानी पीना है और दवाइयां चाहिए होगी पेशाब निकालने वाली, हार्ट रेट कम करने वाली, बीपी कम करने वाली, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर नहीं चाहिए. और कोरोना वायरस भी हार्ट फेल कर सकता है. तो अगर कोरोना वायरस के हर पेशेंट को हम पानी देंगे, हर पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड देंगे, तो कुछ पेशेंट तुरंत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे जिनका हार्ट फेल हो रहा है. याद रखिए 80-90% कोरोना वायरस के पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. हमने ऑलरेडी कई बार अपने वीडियोस में बताया है. तो उनको चाहे डीआईपी डाइट दो, चाहे घर का खाना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आयुर्वेदा में बहुत दम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है आयुर्वेदा के वीडियोस पे, आयुर्वेदा में बहुत दम है, कोई डाउट नहीं है. प्रॉब्लम इज कि जब आयुर्वेदा के साथ साथ आप ये बोलने लग जाते हो कि ये गलत है, वो भी गलत है, वो गलत है, गलत नहीं, सही पे बात करो, सही पे बात करो. सो डीआईपी डाइट सही है हेल्दी लोगों के लिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप सारी दवाइयां बंद कर दोगे, आप चेकअप नहीं कराओगे, आप डॉक्टर या हॉस्पिटल को गलत बोलोगे, स्कैम बोलोगे. जहां तक COVID-19 की बात है, ये कॉमन फ्लू वायरस नहीं है, ये कॉमन फ्लू का वेरिएशन है, नया वेरिएशन है. ये बात करते हैं पीसीआर टेस्ट के गलत होने की. दोस्तों पीसीआर टेस्ट इस कोरोना वायरस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, पहली बात याद रखिए. ये ऑलरेडी बताया गया है, मेरे पीसीआर वाले वीडियो में देखो, ये कहते हैं 99% तक ही पॉजिटिव आता है. एक्चुअली डाटा देखोगे तो 50% 30-50% लोगों में पॉजिटिव आता है. कई सारे लोग जिनमें है वायरस उसमें भी नेगेटिव आता है, वो सारा मैंने समझाया हुआ है. तो डॉक्टर डायग्नोस करता है आपके सिम्टम के बेसिस पे, ना कि इस टेस्ट के बेसिस पे. अगर कोई पेशेंट मर रहा होता है तो उसको ट्रीटमेंट देना होता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना होता है, ना कि ये सोचना कि उसको और पानी पिलाएं कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, अगर हार्ट फेलियर लंग पेशेंट है उसको दिक्कत और हो जाए. जहां तक बात है यूके गवर्नमेंट के हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज वाली बात की, तो दोस्तों हाई कॉन्सिक्वेंशियल इन्फेक्शियस डिजीज वाले जो बीमारियां होती हैं, जिसमें इबोला भी है, बर्ड फ्लू भी है, उन बीमारियों की डेथ रेट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब उसको उसमें डाला जाता है. क्यों डाला जाता है? क्योंकि फिर उसके लिए मैनेजमेंट वैसा होगा, फिर उतने सारे पेशेंट्स को उतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे रखा जाएगा, उतना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स देने होंगे, उस उतनी ज़्यादा रूल्स बनाने पड़ेंगे कि हाँ आप कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई ये नहीं करेगा, सारे के सारे लोग वो पहन के रहेंगे, और बहुत सारे हैवी रूल्स निकालने होते हैं. इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने इसकी, जब क्योंकि इसकी डेथ रेट उतनी हाई नहीं है, इसकी डेथ रेट 1-3% है, 0.1% नहीं है, 1-3% है, याद रखिए. और अगर आपकी उम्र 60-70 साल के ऊपर है तो 10% तक आपके तक डेथ रेट जा सकती है. सो रिमेंबर ऑल दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कोरोना वायरस के हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं. जहां तक बात है इनकी सच्चाई की, तो डायबिटीज के बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में मैं आपको बता दूं. दोस्तों इनका सबसे फेमस वीडियो जो है कि इसमें ये एक मैंगो जूस, एक जूस को खून से मिलाते हैं और जूस को मिला के खून में शुगर चेक करते हैं कि शुगर तो कम हो गई. वो इतना सा कॉन्सेप्ट है कि खून में ग्लूकोज है और फ्रूट के जूस में फ्रुक्टोज है. आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से मिलाओगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बढ़ा दोगे, वहां भी लिक्विड आ रहा है तो जो ग्लूकोज है वो तो डाइल्यूट हो गया. ग्लूकोज डाइल्यूट हो गया, अब ग्लूकोज चेक करोगे, फ्रुक्टोज नहीं चेक हो रही है, ग्लूकोमीटर है वो,
ग्लूकोज चेक करोगे तो ग्लूकोज कम आएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट खाओगे तो आपकी शुगर कम हो जाएगी, नहीं, आपके शरीर के अंदर फ्रुक्टोज ब्लड में जाके डायरेक्ट लीवर में जमा होता है, ग्लाइकोजन बढ़ाता है, वो भी डायबिटीज को काम करेगा, डायबिटीज में गड़बड़ करेगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रूट खाओगे तो शुगर ठीक हो जाएगी, नहीं, फ्रूट खा सकते हैं लिमिट में। ब्लड प्रेशर के लिए गर्म पानी में या पानी में पैर रख के कंबल डालने की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 5 मिनट रिलैक्स करोगे, 10 मिनट रिलैक्स करोगे तो वैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डीप ब्रीदिंग थोड़ा रिलैक्स करोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हर एक उनकी बात का कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये सारी 50% गलत बातें हैं और 50% सच्चाई को मरोड़ के आपके तरफ फेंका गया है, आपको बौखलाने के लिए, आपको गलत धारणा दिलाने के लिए। जब बात आती है कि जब ऐसी बातें हैं तो फिर क्यों कोई यूनिवर्स, कोई मेडिकल फील्ड के कोई या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अगर आप निकाल के देखेंगे तो गवर्नमेंट से या मेडिकल अथॉरिटीज से उनके लिए स्टेटमेंट्स पहले कई बार आ चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ऐसा देश है जहां अपना ओपिनियन देना कोई क्राइम नहीं है। इसीलिए यहां पर जब तक इस बार जरूर ये क्राइम है कि वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ, अगर ऐसा कुछ वो बोल देते हैं तो फिर ये एक्चुअली में क्राइम है। कोरोना वायरस एक थ्रेट है ग्लोबल लेवल पे, जिसके बारे में गलत जानकारी फैलाना आज के डेट में गलत है।